होस्ट टू एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अपने पंच को स्ट्रांग कैसे बनाएं। उसके लिए हम नकल पुशअप लगाएंगे, जिसमें हम अपने ये सामने का दो फिंगर को रख के पुशअप लगाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए कैसे पुशअप लगाना है। सबसे पहले अपने हाथ को इस प्रकार से पंच बना के इस प्रकार से नॉर्मल गैप में रख कर पुशअप लगाना है। इस प्रकार से अगर आपको इस प्रकार से पुशअप लगाने में दर्द होता है तो आप शुरू में किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए। आप इस प्रकार से अपने घुटने पे बैठ जाए पहले, सबसे पहले। उसके बाद अपने पंच को यहाँ पे रखें सामने और बस इस प्रकार से थोड़े देर के लिए आप यहाँ पे वेट करें, और आस्ते आस्ते करके आप इस प्रकार से अपने हाथ के ऊपर वेट बढ़ा सकते हैं। आगे की तरफ जाएं और वेट बढ़ाएं। इससे होगा क्या कि आपको दर्द सहने की आदत हो जाएगी और आप नकल पुशअप भी लगा पाएंगे। और इससे भी एक आसान तरीका है, मैं फ्लोर पे कर रहा हूं, तो आप फ्लोर पे करने से आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई सॉफ्ट सरफेस पे रख के कर सकते हैं। उसके लिए आप इस प्रकार से आप एक नोटबुक लेकर आप इस पर अपना नकल रख के पुशअप लगा सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से लेकर रखें और आप पुशअप लगाएं कुछ इस प्रकार से। और इस लेवल से आपको आगे बढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने नोटबुक को आराम से खोलें। इससे क्या होगा कि आपका बुक का मोटाई कम होगा और आप आस्ते आस्ते करके सरफेस की तरफ बढ़ेंगे। देखिए इस प्रकार से, अभी इसको हम हाफ कर लिए, फिर पुशअप लगा रहे हैं इसमें। और फिर आप कुछ क्या कर सकते, आप इसी प्रकार से इसका मोटाई कम करते करते आप एक बार डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप एक ही बार डायरेक्ट फ्लोर पे जाके पुशअप लगा सकते हैं। और पुशअप लगाते समय क्या ध्यान रखना है, ये जो आपका दो सामने का जो दो नकल्स है उसको इस प्रकार से जमीन पे रखना है, फिर इसी का ऊपर सारा वेट डालते हुए पुशअप लगाना है कुछ इस प्रकार से। और ध्यान रखें इसमें अपने हाथ को ज़्यादा दूरी पर नहीं रखना है, इस प्रकार से रख के नहीं लगाना है। आपका जितना शोल्डर है उतना ही गैप रखने का कोशिश करें और उतना ही पे पुशअप लगाएं। इससे आपका पंच बहुत ही मजबूत हो जाएगा और आपके नकल्स यानी कि हड्डियों में आप किसी को मारेंगे तो आपको चोट लगने की संभावना कम हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।